खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे हैडलाइनस दे नाल। सीएम भगवंत मान ने प्रबंधकी सकत्तरां नाल कीती मीटिंग, महकमियां नूं दित्ते सख्त हुक्म। गिरफ्तार किए गए दिव्यांग मुलजम ने चक्करां च पाई पुलिस। गुरु घर च बेअदबी, पार्टी सिंह नूं घड़ीस के लै गया मुलजम। पंजाब च नहीं वजा नशियां नूं बन्न, NCRB की रिपोर्ट च हैरान कर देने वाले हुए खुलासे। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज सारे महकमियां दे प्रबंधकी सकत्तरां नाल मीटिंग की गई। इस दे नाल ही उन्हां वालों विकास कामां दा जायजा भी लिया गया। मीटिंग लैण उपरंत भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए मीटिंग संबंधी जानकारी दिती। उन्हां ट्वीट करदे होए कहा कि अज सारे महकमियां दे प्रबंधकी सकत्तरां दे नाल अहम मीटिंग की गई है। तो सरकार दीआं स्कीमां दे तहत चल रहे विकास कामां दी समीक्षा भी की गई है। उन्हें अगे कहा कि मैं सारे महकमियां नूं समय सिर सारे काम मुकम्मल करन नूं कहा है, ते नाल ही लोकां दे हितां लई नवीं स्कीमां दी रूपरेखा भी तैयार करन नूं कहा। पुलिस वल्लों गिरफ्तार कीते गए दिव्यांग मुलजम ने उस वेले पुलिस नूं चक्करां च पा दिता जदों 7 फुट उची कंध टप के फरार हो गया। दरअसल थाणा सदर दे पुलिस मुलाजम शराब दे एक मामले च गिरफ्तार एक कथित मुलजम दा मैडिकल करवाउण लई सिविल हस्पताल पहुंचे सन, जो कि एक लत तो दिव्यांग सी। मौका मिलदिया ही वह करीब 7 फुट उची कंध टप के फरार हो गया, जिसन करीब 1 घंटे बाद एक होर नौजवान ने फड़ के पुलिस मुलाजमान के हवाले किया। अगली खबर मोहाली तो है। मोहाली अधीन पेंदे खरड़ नेले पिंड सिल के गुरद्वारा साहिब च एक नौजवान वालों बेहद शर्मनाक घारा किया गया। उक्त नौजवान ने पहला ग्रंथी सिंह ते हमला किया, फिर अपने सारे कपड़े उतार ले। जानकारी मुताबक पिंड का ही एक नौजवान रोजाना 5 बजे के करीब गुरद्वारा साहिब विखे आउंदा है। वह अज आउंदे ही ग्रंथी सिंह नूं अमृत छकाउण दे लई कहण लगा। जदों ग्रंथी सिंह ने मना किया तो उक्त नौजवान ने ग्रंथी सिंह ते हमला कर दिता, ते उस दे नाल काफ़ी कुटमार भी की है। इस घटना नूं अंजाम देने तो मगरों वह मौके तो फरार हो गया है। तो इस घटना नूं लैके पूरे पिंड च भारी रोस पाया जा रहा है। पंजाब कैबिनेट की सब कमेटी ते 18 किसान जथेबंदियों की मीटिंग विच मान सरकार किसान अगे झुकती नज़र आई है। ये मीटिंग पंजाब भवन विच हुई सी। इस दौरान सरकार किसान प्रति नरम नज़र आई है, तो उन्हां दीआं ज़्यादातर मंगा मान लिया गई ने, जबकि कई भरोसा दे के किसान के गुस्से शांत किया गया। कौमी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंकड़िया ने पंजाब विच नशियां की तस्वीर बयानी है। अहम गल है कि नशियां का खात्मा करन दा दावा करके सत्ता विच आई आम आदमी पार्टी की सरकार वेले ये अंकड़े होर उपर नूं हो गए ने। रिपोर्ट दे विच ये भी खुलासा होया है कि देश भर में पंजाब विच नशियां नाल सब तो वध मौतां होईयां ने। दरअसल देश विचों आबादी के लिहाज नाल पंजाब की जनसंख्या सिर्फ 2.21% है, जबकि नशियां नाल होईयां मौतां विचों इकल्ले पंजाब विच 21% मौतां होईयां ने। यह खुलासा कौमी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2022 की रिपोर्ट दे विच होया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फोर्बस की सब तो ताकतवर औरतों की सूची में थां बना ली है। वह 32वें स्थान पर है, जिस दे विच अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अते गायिका टेलर स्विफ्ट भी शामिल ने। इस सूची में 3 होर भारतीय औरतां भी शामिल हैं। सीतारमन मई 2019 भारत की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री बनी, तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी मुखी है। राजनीति दे विच आउण तो पहला उसने UK एसोसीएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स अते BBC वर्ल्ड सर्विस दे विच भूमिकावां निभाईयां। इस तो इलावा वह राष्ट्रीय महिला कमिशन की मैंबर भी रह चुकी है। अगली खबर जो तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं ईरान नाल जुड़ी हुई है। ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने आने वाले सालों में मनुखी मिशनों की तैयारी में जानवरों को एक कैप्सूल में पुलाड के पंध में भेजा। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी चढ़ना ने दूर संचार मंत्री ईसा जारेपुर के हवाले नाल कहा कि कैप्सूल 130 किलोमीटर की ऑर्बिट विच लांच किया गया सी। ते ईरान ने 2013 दे विच कहा सी कि उसने एक बांदर नूं पलाड़ दे विच भेजा सी, ते इसनूं सफलतापूर्वक धरती उत्ते वापस भी लियाया गया सी। जम्मू विच दिल्ली पब्लिक स्कूल नूं बंब नाल उड़ाउण दी धमकी मिली सी। प्राप्त जानकारी अनुसार एक व्यक्ति ने फोन करके स्कूल नूं बंब नाल उड़ाउण दी
धमकी दी, जिस तों बाद उत्थे काफ़ी हफड़ा दफड़ी मच गई। तो एक DSP अध्यापक नूं फोन आया सी, माफ़ करना, एक DPS अध्यापक नूं फोन आया सी, जिस तों बाद उसने पुलिस नूं सूचित किया। एक खबर मिलते ही पुलिस टीम जम्मू के रेजीडेंसी रोड से स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुँच गई। पुलिस के नाल नाल सुरक्षा बलों भी कई टुकड़ियां ते बंब निरोधक दस्ते भी उत्थे पहुँच गए। चक्रवाती तूफान मिचोंग ते पछमी गड़बड़ी ने देश के मौसम का मिजाज बदल दिता है। कुछ थावां ते तेज बारिश हो रही है ते कई थावां ते तेज हवावां का असर है। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ते पुडुचेरी विच देखने को मिलिया, जिथे भारी मीह पिया। इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत में मौसम खुश्क बनया होया। सो इस हुण तक दीआं खबरां, कल फिर हाजिर होवांगे नवीं अपडेट्स रहि के, जुड़े रहो साडे नाल।